नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम तड़का वाला दाल बनाएंगे। उसके लिए रहर मसूर का दाल हमने धो लिया है और चना का दाल आधा कटोरी इसे भी धो लिया है। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और कद्दू को हमने इसे आधा काट के इसे धो लिया है। तड़का के लिए प्याज, जीरा, अदरक, लहसुन और हरा मिर्च। गैस हम जला लेते हैं, इस पे कुकर को हम रख देंगे। पहले इसमें हम लौकी डालेंगे, उसके बाद चना का दाल, उसके बाद रहर मसूर का दाल। स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। अब इसे हम कुकर को बंद करके सीटी लगाएंगे। चार सीटी हो जाएगा, उसके बाद में हम दाल को नीचे उतारेंगे। गैस हम बंद करते हैं और कुकर नीचे उतार देते हैं। कुकर ठंडा हो जाएगा तो इसे हम सीटी खोलेंगे और कढ़ाई गर्म होने के लिए हम रख देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें तड़का के लिए हम तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया, इसमें हम प्याज, अदरक, लहसुन और हरा मिर्चा, उसके बाद जीरा। इसे 5 मिनट भूनेंगे, हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा। तब तक इधर मेरा सीटी गर्म और ठंडा हो जाएगा, उसके बाद खोलेंगे हम। सीटी हम निकाल देते हैं और उसके ढक्कन को हम खोल देते हैं। चना और कद्दू वाली दाल बनकर तैयार हुआ। इसे आप लोग इसे तड़का देकर और इसमें थोड़ा हींग डाल देते हैं। और इसमें हम दाल डाल देंगे। अब गैस हम बंद करेंगे और यह दाल फ्राई चना का कद्दू वाली, इस तरह के आप लोग भी दाल बनाइए और इसके मज़े लीजिए। ये बहुत अच्छा फ्राई दाल अच्छा लगता है और बनाने में भी एकदम सजीला है और कोई इसमें तामझाम भी नहीं है। चलिए हम आपके साथ सर्व कर देते हैं। इसे हम आप लोग के साथ सर्व कर देते हैं और ये दाल इस तरीका को आप लोग अपनाइएगा। ये बहुत अच्छा दाल बनता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।